75 जिलों में जिला अस्पताल के माध्यम से ये दिया जाएगा, तो आज इसी का उद्घाटन है, इसी में आया। सर, डेंगू को लेकर अभी फैला हुआ, यहाँ पर क्या सुविधाएं और दी जाएँ जो अच्छा और बेहतर किया जा सके? मेरे को पेशेंट का भी काफ़ी परेशानी बता रहे हैं। देखिए, डेंगू के सुविधा के लिए दवाई उपलब्ध है और 4 लैब आपके इसी लखनऊ परिक्षेत्र में है, 36 लैब आपके और पूरे प्रदेश में भी है। डेंगू का अगर आप साइकिल देखें, क्योंकि ये बार बार अखबार में ये निकल रहा है, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डेंगू के केसेस जो हमारे सरकारी आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है, उसका साइकिल अगर देखा जाए तो 2016 में लगभग 25,000 केसेस हुए थे, और जब जिसमें उसमें पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 25,000 केसेस हुए थे जिसमें 42 लोग मृत्यु हुए थे। 3 साल बाद आज आपके पास 4500 कुछ केसेस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं और उसमें 4 मृत्यु हुए हैं, जो कंफर्म्ड हमारा जो डेथ ऑडिट करने के बाद, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो, उसका एक ऑडिट होता है, उसका एक विशेष करके एक जांच होती है जिसमें कोई गलत उसमें कर भी नहीं सकता है। उसके हिसाब से हमारे 4 अभी तक जो सूचना प्राप्त हुआ है, 4 हमारे मृत्यु हुए हैं और 1 का अभी कन्फर्म होने बाकी है, ये आज का है। इसका रोकथाम जिसको बार बार जो पेपर में निकल रहा है, मैं स्पष्ट कर दूंगा कि ये हमारे सघन अंतर विभागीय जो समन्वय हम लोगों ने बनाया है, और जैसे हमने पूर्वांचल में 38 जिलों में जेई और एई पर पूरी तरह से रोकथाम किया है, उसी तरह 2016 के बाद से लगातार इसका स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास के नगर निगम की टीमें और जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र वहाँ की टीम को लेके, शिक्षा विभाग सभी विभाग को लेके, ये पूरी तरह से हम लोग ने हर एक क्षेत्र में जाके जहाँ भी इस तरह का लावा का जो होता है उसको ढूंढ के उस पर किया है, स्प्रेइंग किया है, फॉगिंग किया है, पैसा भी पूरा दिया गया है नगर निगम को, तो सारी चीज़ मिला के हम लोग ने इस पर नियंत्रण पाया गया है, ये मैं बताना चाहता हूँ।